नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दिशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगी एक ऐसे विषय के बारे में जो हम बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनते हैं कि हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं, या मेरे कामों पे नज़र लग जाती है, या मेरा काम बिल्कुल होने ही वाला है एकदम से, कुछ ना कुछ कारणवश, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, चाहे वो आपके क्या कह सकते हैं कि क्लाइंट की तरफ से आपका चीज़ों पे होल्ड आ जाए, या आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं, या फिर कहीं हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि आपको पैसा आने वाला होता है, पेमेंट आने वाली होती है, पेमेंट आपकी फंस जाती है। तो इसके क्या कारण बनते हैं, इसके आपकी कुंडली के क्या कारण बनते हैं, क्या इसके हम क्या ऐसे खास उपाय कर सकते हैं जिसको करने से हमारे जो काम हैं जो बनते बनते रुक जाते हैं उससे हमें निवारण मिल सके। साथ ही साथ क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से बार बार बनते हुए काम रुकते हैं? कुंडली तो है ही, क्या ऐसा कोई और कारण भी है जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं? तो आज हम इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि हम सभी के कुंडली के हिसाब से बनते बनते जो काम है वो किस वजह से रुक जाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं एक अच्छी दशा में, या एक अच्छी अंतर दशा में, या एक अच्छी प्रत्यंतर दशा में। उस समय जो हमारे नक्षत्र होते हैं वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा काम बनने वाला है, बिल्कुल हमारा काम होने वाला है। तो उस काम में डिले होता जाता है, हो सकता है कि मतलब क्लाइंट की वजह से कई बार हमें हमारी चीज़ें जो होती हैं वो होल्ड पे चली जाती हैं, कई बार हमारे कुछ फैमिली रीजंस हो जाते हैं कि हमारा मिलना उनसे नहीं हो पाता, तो वो चीज़ थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है, यानी कि मैं कहूँगी कुछ गैप आ जाता है, 1 हफ्ते का, 10 दिन, 15 दिन, महीने का। तो उसकी वजह से हमारी जो अंतर दशा होती है या प्रत्यंतर दशा होती है वो बदल जाती है, हमारी सूक्ष्म दशाएं बदल जाती हैं। जब हमारी अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा बदल जाती है तो हमें जो परिणाम जिस हिसाब से मिलना चाहिए था वो उस हिसाब से हमें नहीं मिल पाता। देखिए, कई बार हमने कोई काम स्टार्ट करा, बहुत हमारा प्लैनेट पोजीशन बहुत अच्छी थी, हमारे नक्षत्र हमें सपोर्ट कर रहे थे और वो हमें 100% श्योर कर रहे थे कि इस टाइम पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में क्या होता है, हम उम्मीद लगा के रखते हैं कि होगा होगा होगा, एकदम से जैसे ही डेट चेंज होती है, समय चेंज होता है, हमारी मीटिंग का टाइम चेंज होता है, हम मिलने जाते हैं तो हमारे जो नक्षत्र होते हैं वो बदल चुके होते हैं। उस टाइम पे वो हमें नेगेटिव परिणाम दे रहे होते हैं कि हम कैसे भी करके इस व्यक्ति का काम होने ही नहीं देंगे। हो सकता है उस टाइम पे यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा नहीं है, या फिर आपकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा नहीं है, या शनि अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपका एक प्लैनेट तो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपकी बल्ले बल्ले करवा दूंगा, लेकिन जब आपका अंतरा चेंज हुआ तो दूसरा प्लैनेट कहता है मैं तो करवाने ही नहीं दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका काम बनते बनते रुक जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप जब भी कोई बड़ा इवेंट अपनी लाइफ के अंदर करने जा रहे हैं, या आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है किसी भी कारणवश से होल्ड पे ना चला जाए, तो आप किसी उचित एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर मिलकर परामर्श अवश्य लें। साथ ही साथ अगर आपको कुछ छोटे छोटे इवेंट्स अपनी लाइफ के करने होते हैं जो आपके बनते बनते रुक जाते हैं, तो इसका जो एक विशेष कारण होता है वो कहीं ना कहीं होती है नज़र। देखिए, जब हम किसी को अपने किसी भी काम के बारे में बताते हैं या समझाते हैं कि मेरा ना ये वाला आज काम होने वाला है, या मेरा ना इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होने वाला है, या मेरी ना आज यहाँ पे नौकरी की बात पूरी पक्की डन हो गई है, बस मैंने ज्वाइन ही करना है, हमने सब जगह उसको गा दिया। देखिए, उस समय आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस बात को सुन के खुश होंगे, कुछ अच्छा मुंह पे तो बहुत अच्छे से आपको बोलेंगे कि अरे वाओ यार, तेरे तो निकल पड़ी, तू तो लकी है, फलाना ढमकाना आपको बोलेंगे, और वो अंदर से खुश नहीं है, और वो आपको जताएंगे ऐसा कि वो बहुत खुश हैं, आपके लिए बहुत हैप्पी हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव वाइब्स उस काम को दे रहे हैं कि यार इसकी तो मतलब वो जो एक जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। जब वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली आपके काम को भी अट्रैक्ट कर रही हैं। तो आप देखेंगे आज के टाइम पे, मैं कहूँगी चाहे आप मुझे अपने परिवार के अंदर सोच कर भी ना, सोच और समझ कर 3 ऐसे व्यक्ति भी नहीं बता पाएंगे जो सच में आपकी कामयाबी से खुश हैं।
ऐसा आपके परिवार में कहूंगी आपके माता पिता के अलावा बहुत ही कम रेशो होगा, चाहे वो भाई हो एक दूसरे का, बहन हो। आजकल हर कोई एक दूसरे को देखकर जलता है और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। मैं कहूंगी कि यदि आपका कोई काम बन रहा है या आप किसी काम को करने जा रहे हैं, जब तक निश्चित रूप से वो काम नहीं हो जाता, आप उस कार्य के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करिए। ऐसा करने से भी आपके जो काम हैं वो बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि लोग आपको कहीं हद तक नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं जो हमें नहीं पता चलता। हम उन नेगेटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं, हमने अट्रैक्ट करी। देखिए, हमारा जो पूरा बॉडी है वो अट्रैक्शन पे है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी वाइब्स होती हैं बॉडी के अंदर जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम करती हैं। तो हमें ऐसी वाइब्स को नहीं लेना, ना ही हमें उस नेगेटिविटी को लेना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज़ों को लेंगे तो हम रिलीज भी नेगेटिविटी ही करेंगे। तो हमने ऐसे लोगों से एक तो अपनी पर्सनल चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। कोशिश करिए कि आप अपने मन में रखिए, क्योंकि देखिए जब तक आप अपने मन के अंदर रखेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी क्यूरियोसिटी रहेगी ही रहेगी, यार इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। यदि आप खुली किताब बन जाएंगे तो हर कोई आपको पढ़ेगा और चला जाएगा आपकी लाइफ से। तो आपको इससे बचना चाहिए। साथ ही साथ अपनी अपनी चीज़ों को किसी से भी डिस्कस ना करें, इसके लिए आपका ही फायदा है हर हद तक। देखिए, यदि फिर भी आपके काम बहुत ज़्यादा, ये उपाय करने के बावजूद भी यदि आपके काम, आपने किसी से डिस्कस भी नहीं किया, आपने किसी को बताया भी नहीं, उसके बावजूद भी आपके बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप अपना कोई काम, आपका बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का वो कौन सा इवेंट है, उस पर एक पर्टिकुलर रेमेडी बनती है। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जब आप किसी भी इवेंट के लिए जा रहे हैं, या चाहे वो शादी है, या मैं कहूँ वो कोई जॉब है, या कोई आपका बिजनेस प्रपोजल है, कोई भी आपका कोई भी लाइफ का कोई भी इवेंट है, तो उसको मैं ये नहीं कहूँगी वो 100% काम करेगा, क्योंकि 100% वो तब काम करेगा जब आप पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से रेमेडी करेंगे कि यार मेरे को ये काम के लिए जा रही हूँ, मेरा ये काम बन जाए। तो उसके लिए तो आपको, जैसे शादी है, या आपका बिजनेस है, या आपकी जॉब है, या आपका, आपने बेबी आपका होने वाला है, कंसीविंग है, या आप डॉक्टर को दिखाने, कोई भी XYZ आपका स्कूल में एडमिशन है, कोई भी आपका लाइफ का इवेंट है, उसके लिए पर्टिकुलर रेमेडी बनती है। लेकिन अगर मैं एक इन जनरल रेमेडी की बात करूं तो वो क्या हो सकती है कि यदि आप किसी भी काम पे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका वो काम बन जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप घर से जाते समय थोड़ा सा दही और चीनी खाकर जाएं। साथ ही साथ आप जब घर से जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो आप कोशिश ये करिए कि आप किसी से भी अपना आई कांटेक्ट ना करें। साथ ही साथ आप जब जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके बैग के अंदर कुछ हो खाने का, और आप बिना किसी से नज़रें मिलाएं। यदि आपको रोड पे कोई आपको मांगने वाले मिल जाते हैं, या कोई ज़रूरतमंद आपको मिल जाता है रोड पे, तो वो पैकेट आप बिना कुछ बोले उसको, आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दे दें। साथ ही साथ जब आप किसी ज़रूरी काम पे जा रहे हैं, तो आपको पीछे से आप अवॉइड करें कि आपको कोई पीछे से आवाज़ मार दे। यदि आपको कोई पीछे से आवाज़ मार भी देता है, तो आप इग्नोर करके आगे चलते जाइए जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं है। तो ऐसा करने से भी आपके काम बनेंगे, क्योंकि जब आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती ही है, हमारे, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कि वो हमेशा पूछेंगे और भाई कहाँ जा रहा है, या कहाँ चल पड़ी बहन आज। तो आपने उस सिचुएशन को अवॉइड करना है, आपने जो आपको कोई पीछे से टोक दे उसको अवॉइड करना है, आपने किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना। यदि आपके कोई सामने आ भी जाता है तो उस टाइम पे भी आप बस जल्दबाजी में, मतलब उसके बिना आई कांटेक्ट करें, बस अब थोड़ा सा अपना जल्दबाजी करिए, आजकल बिजी शेड्यूल है, उसको बोल दीजिए फिर मिलेंगे, आता हूँ, बस ऐसे करके उस बात को आप टाल दीजिए और अपने काम पे चले जाइए। ऐसा करने से भी जो आपके बनते बनते काम हैं जो रुक जाते हैं नज़रों के कारण, या कई बार हम नेगेटिव वाइब्स लेते हैं, तो कहीं हद तक आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपके जो काम हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। बाकी सब तो माता रानी है करने वाली, करेंगी तो वो ही। बाकी मैं यही प्रार्थना करूंगी माता रानी से कि हम सभी के काम बने और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।
ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु का ज्ञान, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारे YouTube चैनल साधना एस्ट्रो पर। अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं।